वेलकम टू प्रणव क्लासेस। आज एक्सरसाइज 3.4 रो क्वेश्चन नंबर 4 करवा देख। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। तो क्वाड्रिलेटरल रो नाम को जहार डायगोनल बाइसेक्ट करछि इच अदर। तो बाइसेक्ट करथला कोन? तो सब क्वाड्रिलेटरल रो कोन डायगोनल गुडा बाइसेक्ट करथला सब क्वाड्रिलेटरल नुहे जेगुडा कोन ना जेमिति कि स्क्वायर हला रेक्टेंगल हला रोम्बस हला स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस आउ के हबो एंड पैरेललोग्राम हला ए मानकर जति की सबु कोन डायगोनल थिला बाइसेक्ट इच अदर। आउ कोन टुआई रे पचार छी ना आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ इच अदर। परपेंडिकुलर रे बाइसेक्ट करथुला ओनली दीटा केस रे गुटे होची दीटा केस रे होतला जेमती गुटे रोम्बस रे एंड स्क्वायर रे हला देखो ताले रोम्बस सही बड़ा थिला यार जे दीटा डायगोनल आसीबो ए माने तो बाइसेक्ट करबे इच अदर बट एठी 90 डिग्री एंगल बनाउथिले 90 डिग्री बनाउथिले स्क्वायर रे भी सेम कोन हबो ना ये डायगोनल दीटा आसीबो बाइसेक्ट करबे 90 डिग्री रे बाइसेक्ट करबे हला। तो रोम्बस आ स्क्वायर रे दीटा डायगोनल 90 डिग्री रे बाइसेक्ट करंती तापर पचार जे आर इक्वल तो दीटा डायगोनल इक्वल हेतबो इक्वल ओनली दीटा केस रे पॉसिबल होतला गुटे होची स्क्वायर रे एंड रेक्टेंगल हला स्क्वायर आ रेक्टेंगल रे देखिबो दीटा जको डायगोनल इक्वल लेंथ आसीबो ए गुटे धरे स्क्वायर शेप एज्यूम करो इयार डायगोनल इयार डायगोनल देखिबो इक्वल लेंथ आसीबो हला। आउ ए माने कोन करंती परपेंडिकुलर ले बाइसेक्ट भी करंती हला। आउ रेक्टेंगल देखिबो रेक्टेंगल रो भी इक्वल लेंथ आसीबो दीटा डायगोनल इक्वल लेंथ आसीबो हला। स्क्वायर आउ रेक्टेंगल ले डायगोनल दीटा कोन हुए इक्वल लेंथ आसे। पांच नंबर कोन कहि जे पिला माने से कहि जे एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए क्वाड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। गुटे रेक्टेंगल को आमे कोन पई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहि परिवा। देखो रेक्टेंगल कोन हिजि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल काहा को कह जाउतला ना जार जे डायगोनल तैयारी कले जदि ता इंटीरियर रे हे जाउथुबो ताले देखो ए रेक्टेंगल रे देखो ता डायगोनल दिटा इंटीरियर रे रहिजे तो याको हम कॉन्वेक्स आराम से कहि परिवा। तो कोन पई कहि परिवा तो याको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहि परिवा कोन पई ना जेहेतु यार दीटा जाक डायगोनल कौन हो इंटेरियर रे रोचे हला। जदि इंटेरियर रे सब डायगोनल रोथबो ताले ताको हम कौन कहते कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दैट्स इट सेटिंग आंसर आउ किसी दरकार हला।